हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा किंडरगार्टन। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर आ रहा है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है एवं जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म दिवस आता है 2 अक्टूबर को, जिसे हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस दिवस पे अनेक कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित होते हैं, पर इस वर्ष चूँकि हम लोग लॉकडाउन में हैं और घर में ही हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में जो हम घर में ही बच्चों से करवाएं इस दिवस पे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हैं और जिनकी जानकारी हमें अपने बच्चों को भी देनी है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था एवं आप जानते हैं कि उन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। यह संबोधन उन्हें सर्वप्रथम दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने अपने जीवन में अनेकानेक ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जो देश की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह एवं स्वदेशी अपनाने की नीति पर जोर देते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी गतिविधियों को आत्मसात भी किया था। आप शायद जानते होंगे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने भी 2 अक्टूबर का दिवस ही चुना स्वच्छ भारत अभियान को भारत में लॉन्च करने के लिए। हम आज गतिमान हो रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, किंतु महात्मा गांधी ने इतने वर्ष पूर्व ही एक छोटी सी जोत जगाई थी आत्मनिर्भर भारत की। वो चरखे से बुना हुआ खादी का कपड़ा ही धारण करते थे और लोगों को उसके लिए मोटिवेट भी करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दांडी यात्रा जैसे कदम भी उठाए थे। गांधी जी के 3 बंदर उन्हें कौन भूल सकता है। हम हमारे बचपन से ही सीखते आए हैं गांधी जी के 3 बंदरों की अनमोल सीख, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हम हमारे बच्चों को भी ये सीख सिखाएंगे। हम बच्चों को इसके लिए एक्टिविटी करवा सकते हैं, चाहे तो पेंटिंग करवाइए, चाहे तो आर्ट क्राफ्ट करवाइए, गांधी जी के 3 बंदरों से हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए, हो जाएगी ना प्यारी सी एक्टिविटी। इसके अलावा बच्चों को आर्ट क्राफ्ट की एक्टिविटी में आप चरखा बनवा सकते हैं। चरखा बनाना बहुत ही आसान है, चाहे तो आइसक्रीम स्टिक्स से, चाहे तो टूथपिक के स्टिक्स से। आप बच्चों को ड्राइंग शीट पे या फिर मॉडल के थ्रू चरखे की एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी के चश्मे से भी आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप चाहे तो चश्मे का मॉडल तैयार करवा सकते हैं, चाहे तो ड्राइंग में बच्चों से चश्मा बनवा सकते हैं। ये तो बात हुई आर्ट क्राफ्ट एक्टिविटीज़ की। इसके अलावा अगर आपके पास खादी का कोई पुराना कपड़ा या नया कपड़ा पड़ा है तो आप खादी से भी बच्चों को क्राफ्ट बनवा सकते हैं, क्राफ्ट करवा सकते हैं। खादी से बैग तैयार किए जा सकते हैं और दूसरे सामान भी आप तैयार कर सकते हैं खादी का इस्तेमाल करके। अगर आपके पास बच्चों के लिए खादी की ड्रेस अवेलेबल है तो आप कोशिश कीजिए बच्चों को खादी के कपड़े ही उस दिन पहनाएं। आप बच्चों को फैंसी ड्रेस के लिए गांधी का लुक देके तैयार भी कर सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी जो थे वो स्वदेशी अपनाने पे और आत्मनिर्भर बनने पे जोर देते थे। आप बच्चों को कह सकते हैं प्रिटेंड एंड प्ले उनके साथ खेल सकते हैं, जो बच्चे अपने क्रिएटिविटी से अपना कुछ भी सामान तैयार करें, चाहे वो फूड स्टॉल हो, चाहे वो कोई सामान बेचना हो। आप बच्चों के साथ उस खेल में शामिल हो जाइए, बच्चे उस सामान को आपको सेल करेंगे और आप बच्चों के साथ एक प्यारी सी फन एक्टिविटी खेल सकते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं गांधी जी के पसंदीदा भजनों की। गांधी जी को वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रहे। इसके साथ ही रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये 2 भजन विशेष रूप से प्रिय थे। अगर आपको भी ये भजन आते हैं तो फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इन भजनों से बच्चों को ये भजन सुनाइए। बहुत ही प्यारे भजन हैं और बच्चों के साथ गुनगुनाइए। बच्चों को गांधी जयंती पे कविता तैयार कराई जा सकती है, भाषण तैयार कराया जा सकता है और गांधी जी के जीवनी से अवगत कराया जा सकता है। तो ये थे मेरे कुछ सुझाव गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने के बारे में। अगर आपको भी ये सुझाव पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।